वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर दैट वी वर डूइंग नाउ देखो अंडर पॉपुलेशन की इम्पैक्ट क्या है किसी जगह पे अगर अंडर पॉपुलेशन होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या है अंडर पॉपुलेशन का सबसे देखो नेगेटिव इम्पैक्ट अंडर पॉपुलेशन का जो बुरा इम्पैक्ट है वो ये है कि अगर किसी जगह पे पॉपुलेशन कम होगा तो मतलब उस जगह में काम करने के लिए लोग काफी नहीं मिलेंगे तो इन इनसफिशियंट स्किल्ड लेबर इनसफिशियंट लेबर का कमी होगी तो लेबर का कमी होने से इन जगहों का जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये पुअर होगा इस जगह पे जितने रिसोर्स है उसको पूरा यूज नहीं किया जाएगा और इसके वजह से लिविंग स्टैंडर्ड कम हो सकता है पॉजिटिव इफेक्ट क्या है देखो अगर पॉपुलेशन थोड़ा कम है तो इसका कुछ बेटर बेटर रिजल्ट भी है वो क्या है यहाँ के जो लोग हैं लोग कम होने के वजह से इन जगह की लोगों को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जॉब के लिए उतनी कंपटीशन नहीं होगा और यहाँ पे जितने लोग हैं सबके लिए काफी नेचुरल रिसोर्स प्राप्त होगा ओके अब देखो कोई भी जगह का जो पॉपुलेशन है वो फिक्स नहीं रहता पॉपुलेशन कभी बढ़ता है पॉपुलेशन कभी घटता है तो अब कौन कौन सा फैक्टर है जो पॉपुलेशन चेंज को किसी जगह में जो पॉपुलेशन की परिवर्तन होती है वो परिवर्तन को अफेक्ट करता है क्यों पॉपुलेशन होता है नॉर्मली चार चीजों के लिए पॉपुलेशन में चेंज आता है या तो बढ़ता है नहीं तो घटता है नंबर वन क्रूड बर्थ रेट नंबर टू क्रूड डेथ रेट नंबर थ्री पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नंबर फोर माइग्रेशन ये चार वजह है इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके वजह से किसी जगह की पॉपुलेशन या तो बढ़ता है नहीं तो पॉपुलेशन घटता है देखो सेंसस ये जो यहां पे वर्ड है द सेंसस सेंसस का मतलब होता है देश की सरकार जब अपनी देश की पॉपुलेशन की गिनती करते हैं कि कितने लोग हमारी देश में रहते हैं दैट इज कॉल्ड सेंसस तो भारत सरकार दस साल बाद बाद मतलब जैसे 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था अभी 2021 में सेंसस हुआ है एवरी टेन ईयर्स भारत सरकार अपने देश के लोगों की गिनती करते हैं और हमें वो संख्या बताते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ा है या घटा है अब देखो क्रूड बर्थ रेट क्या है क्रूड बर्थ रेट का मतलब है कि पर वन थाउजेंड ऑफ दॉपुलेशन कितने बच्चे पैदा हुआ है फॉर वन थाउजेंड देश की एवरी वन थाउजेंड पॉपुलेशन पर वन थाउजेंड पॉपुलेशन कितने बच्चे जन्म लिया है दिस इज क्रूड बर्थ रेट अगर क्रूड बर्थ रेट दस से बीस का बीच में हो मतलब पॉपुलेशन पर वन थाउजेंड पॉपुलेशन अगर दस से बीस के अंदर बच्चा पैदा होता हो तो इसे कहा जाता है लो क्रूड बर्थ रेट लेकिन अगर पर वन थाउजेंड पॉपुलेशन चालीस से पचास बच्चे पैदा होते हैं दैट दैट इज इज कॉल्ड कॉल्ड हाई हाई क्रूड बर्थ बर्थ रेट रेट तब birth rate को high माना जाता है तो अगर बर्थ रेट हाई होगा तो नेचुरली उस देश का पॉपुलेशन बढ़ेगा उस देश का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो नेचुरल रिसोर्स पर बोझ आएगा फूड का क्राइसिस होगा पॉवर्टी बढ़ेगा जॉब अपॉर्चुनिटीज घटेगा वगैरह वगैरह क्रूड बर्थ रेट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सी कहते हैं और जब क्रूड बर्थ रेट बोला जाता है इट मींस पर ईयर पर थाउजेंड पॉपुलेशन कितने नए बच्चे जन्मे हैं उसी तरह से देखो क्रूड डेथ रेट का मतलब होता है पर वन थाउजेंड पर्सन ऑफ द कंट्री कितने लोग मरे हैं ओके तो अफ्रीका का सहारा जो डेजर्ट है उसके आसपास और दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश है ऐसे देशों में हेल्थ केयर फैसिलिटी काफी न होने के वजह से न होने की वजह से जीरो टू फाइव ईयर्स के अंदर जो बच्चे हैं उनका काफी ज्यादा डेथ हो जाता है तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है जो कंट्री अभी डेवलप कर रहे हैं ऐसे कंट्रीज में डेथ रेट इज क्वाइट हाई बिकॉज ऐसे कंट्रीज में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन द ओल्ड एज ग्रुप अब देखो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसको कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब होता है द द एवरेज एनुअल परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ सरप्लस और डेफिसिट ऑफ बर्थ्स ओवर डेथ्स एंड बैलेंस ऑफ माइग्रेंट्स एंटरिंग एंड लिविंग ए कंट्री द रेट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव तो देखो किसी भी देश में पिछले साल उस देश का जो पॉपुलेशन था उसकी कंपैरिजन में इस साल कितने परसेंट लोग बढ़ा? फॉर एग्जाम्पल देखो अगर इंडिया का पॉपुलेशन दो में सौ था और अगला साल जब पॉपुलेशन गिना जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन हो गया 105 लोग भारत में है तो मतलब पर हंड्रेड भारत का पॉपुलेशन पांच परसेंट बाई फाइव बड़ा है तो फाइव परसेंट इंक्रीज हुआ है तो ये जो परसेंटेज इंक्रीज होता है पिछले साल का पॉपुलेशन के मुताबिक अगले साल में नेक्स्ट ईयर में जो पॉपुलेशन बढ़ने का जो परसेंटेज है दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखो अगर पिछले साल का जो पॉपुलेशन है उसके मुताबिक उसके कंपैरिजन में अगला साल देश का पॉपुलेशन बढ़ जाए तब हम लोग इसको कहेंगे पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर इस साल जो पॉपुलेशन है उसकी कंपैरिजन में अगला साल अगर पॉपुलेशन घट जाएगा किसी देश की दैट विल दैट इज कॉल्ड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ओके तो आप देखो ये पॉपुलेशन जो ग्रोथ होता है या नहीं होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी फैक्टर है माइग्रेशन माइग्रेशन का मतलब होता है जब बड़ी संख्या में लोग एक देश छोड़कर दूर का किसी देश में चला जाता है दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन देखो माइग्रेशन एक देश से दूसरा देश जाना वो भी माइग्रेशन होता है या फिर अगर किसी एक देश का एक एरिया से उसी देश का एक दूसरे एरिया में लोग जा, जाने रहता है जाके रहने लगता है कंट्री वो देश के अंदर होने वाला माइग्रेशन है और जब लोग एक देश छोड़कर दूसरे देश में जाके रहने लगते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन एक देश से दूसरा देश का देखो हमारा देश छोड़कर जो लोग बाहर रहने जाते हैं उनको कहते हैं इमिग्रेंट्स तो मतलब इंडिया छोड़कर मान लो कोई अगर अमेरिका में रहने लगा है ही इज कॉल्ड एन इमिग्रेंट लेकिन बाहर का देश से हमारे देश में जो रहने आता है दे आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स ओके तो माइग्रेशन की वजह से क्या होता है जब किसी पर्टिकुलर शहर या सिटी में या किसी देश में बाहर से लोग आके काफी संख्या में बाहर से लोग आके रहने लगते हैं तो नेचुरली उस जगह का पॉपुलेशन बढ़ते जाता है ठीक है तो जब माइग्रेशन होता है तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ एक और चीज होता है देखो जो दूसरे देश से काफी लोग आकर जब हमारी शहर में या हमारे देश में रहने लगते हैं तो उनके साथ साथ उनका आचार विचार जीवन का तौर तरीका खाने का स्टाइल ड्रेस का स्टाइल ये भी हमारे देश में आ जाते हैं और उसका प्रभाव हमारी देश की सोच विचार खाना कपड़ा सब चीज के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है ठीक है तो देखो जब बहुत ज्यादा संख्या में अगर माइग्रेशन होगा अगर हमारी देश में बहुत ज्यादा संख्या में लोग रहने आएंगे तो इससे क्या होता है लॉट्स ऑफ आर कॉस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज स्केल अगर इमिग्रेशन हो मतलब लार्ज स्केल बड़ी संख्या में लोग अगर हमारे देश में रहने आते हैं तो क्या होता है कि ओवर क्राउडिंग हो जाता है तो इस देश में जो पहले से रह रहे हैं उनके साथ नए आने वाले लोगों के बीच में कभी कभी टेंशन मारपीट वगैरह हो सकता है क्योंकि ये दोनों लोग एक ही जॉब के लिए लड़ रहे हैं एक ही रिसोर्स के लिए लड़ रहे हैं तो कभी कभी फाइटिंग में ब्रेकआउट अगर हमारी देश अचानक छोड़कर कोई दूसरे शहर में चला जाए दूसरे देश में चला जाए तो अगर हमारी देश या हमारी शहर में पॉपुलेशन ज्यादा है अगर हमारा शहर छोड़कर या हमारा देश छोड़कर लोग दूसरे शहर या दूसरे देश में शिफ्ट कर जाते हैं तो ज़्यादा पॉपुलेशन की समस्या सॉल्व हो सकता है लेकिन इसके साथ साथ देखो अगर हमारी देश से पढ़े लिखे लोग इंजीनियर्स डॉक्टर्स इस तरह का बहुत पढ़े लिखे लोग अगर हमारा देश छोड़कर बाहर चले जाएंगे तो हमारे देश के जो सबसे अच्छे ब्रेंस है सबसे पढ़े लिखे लोग जब बाहर चला जाता है इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन ठीक है तो ब्रेन ड्रेन के बारे में हम लोग अगला लेसन में और जानकारी हासिल करेंगे अब देखो अगर हम पॉपुलेशन को देखेंगे तो यूजुअली हम लोग पॉपुलेशन की पॉपुलेशन में देखो हर उम्र के लोग रहते हैं तो पंद्रह साल तक जो बच्चे जो लोग रहे पॉपुलेशन का हिस्सा है उसको चिल्ड्रन बोलते हैं ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन है मतलब ये खुद कमा नहीं सकता ये अपने जिंदगी के जीने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर करता है 15 से उनसठ साल तक जो पॉपुलेशन है क्योंकि उम्र में लोग काम करते हैं, पैसा पैसा रोजगार करते हैं परिवार पालते हैं और देश के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिव पॉपुलेशन 60 इयर्स, 59 के ऊपर जो है ये इंसान के रिटायरमेंट की एज हो जाती है इंसान धीरे धीरे बुरा हो जाता है तो दे ऑल्सो बिकम डिपेंडेंट पॉपुलेशन ओके अब वी कम टू सेक्स रेशियो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेक्स रेशियो सेक्स रेशियो क्या है इसके बारे में अब हम थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं देखो सेक्स रेशियो की मतलब होता है इट इज कंपैरिजन बिटवीन सेक्स रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन कि देश का हर 1000 पॉपुलेशन के अंदर कितने परसेंट मेल है और कितने फीमेल है दिस इज कॉल्ड सेक्स रेशियो ठीक है तो किसी भी देश में औरत और मेल के अंदर मेल और फीमेल के अंदर इक्वालिटी समानता है कि नहीं यह सेक्स रेशियो से हम पता कर सकते हैं देखो 2011 में इंडिया का सेक्स रेशियो था 940 अर्थात पर एक हजार मेल का मैंने थोड़ा गलत बोला देखो सेक्स रेशियो का मतलब होता है मैं थोड़ा गलत बोला सेक्स रेशियो सेक्स रेशियो मीन्स पर 1000 मेल्स पर 1000 पुरुष देश में कितने औरत है तो भारत में 2011 की के की आंकड़ा के हिसाब से पर हजार मेल का पर हजार पुरुष का इंडिया में 940 ही औरत थे लेकिन ये 2001 में 1000 पुरुष के लिए 933 औरत थे तो 2011 में आके थोड़ा ये बड़ा है नाउ भारत में देश की कई ऐसी जगह है जहां पर सेक्स रेशियो और भी कम है तो इंडिया में आज भी लोगों के अंदर बेटा पाने की ख्वाहिश इतना ज्यादा है कि कई जगह भारत की अभी भी ऐसा है जहां पर लड़की जन्म लेने से लड़की को मार दिया जाता है या जन्म लेने का पहले ही टेस्ट करके डॉक्टर से पता कर दिया जाता है कि जो बच्चा आने वाला है वो मेल है कि फीमेल है और अगर फीमेल है तो मां की कोक में ही में ही उस बच्चे को मार दिया जाता है तो इसके वजह से अभी भी भारत की ऐसी कई जगह है जहां पे काफी हद तक गर्ल चाइल्ड ठीक है औरत की मौत होती है इसके वजह से जो सेक्स रेशियो है वो इंडिया में मेल के तुलना में औरत की संख्या अभी भी काफी कम है देखो इस चैप्टर का जो आगे वाला हिस्सा है पिरामिड पॉपुलेशन पिरामिड ये तुम लोगों को करने का जरूरत नहीं है तो ये चैप्टर हम लोग सिर्फ इतना तक ही करेंगे सो आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो प्लीज गो थ्रू द चैप्टर अगर किसी जगह तुमको समझ में नहीं आए प्लीज लेट मी नो इन द स्कूल तो मैं दोबारा वो जगह को एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन ये चैप्टर एक बार खुद तुम लोग पढ़ो इफ देर इज एनी प्लेस वेर यू डोंट अंडरस्टैंड